हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और ये हो रहा है हवन की रात वाला कीर्तन। यहाँ सब भजन वजन गाने के बाद में आप सब डांस वांस कर रहे हैं। प्रवेश की रस्म के बाद में हवन हुआ था और हवन के बाद ही कीर्तन होना था, लेकिन उस वक्त कीर्तन नहीं हो पाया था, तो इसलिए मम्मी ने कहा कि कीर्तन शाम को भी हो सकता है। तो दोपहर में तो ये सब लोग चले गए थे, शाम के टाइम में चले गए थे, लेकिन अभी रात को ये लोग फिर से आ गए हैं और अब कीर्तन हो रहा है। गाने वाने माता रानी के सब हो चुके हैं और अब यूं ही भजन डांस चल रहा है। Thank you.
साथ कीर्तन खत्म हो गया था, पूरा हो गया था, और इसके बाद में शूट भी नहीं कर पाई थी फ्रेंड्स। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, फर्स्ट मॉर्निंग हमारे घर में। आराम से गिरना जाए, देखो कितनी अच्छी फोटो है, बहुत सुंदर। अभी तक भी शक्ल नहीं बढ़ती है ऐसे। और ये हमारी बुआ ने दिया है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। और आज नए घर में हम लोगों की फर्स्ट मॉर्निंग है और हम लोग पी रहे हैं चाय। फ्रेंड्स, अगर आपको भी इतने सारे गिफ्ट चाहिए हैं तो आप एक काम करना, हर साल शिफ्ट करते रहना। फिर तो गेस्ट भी परेशान हो जाएंगे बेटा। एक्चुअली कल गृह प्रवेश बहुत अच्छे से हो गया, बहुत और काफी अच्छे लग रहे थे सब लोग। मेरा कैमरा लाइव पर चल रहा था, मेरा मोबाइल, और पता नहीं और किसी ने शूट किया नहीं किया, लेकिन गृह प्रवेश की वीडियो पता नहीं मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया। अब जो भी है फर्स्ट मॉर्निंग से मैं आपको घर भी दिखा देती हूँ और जो होगा मैं शेयर करूंगी आपके साथ में। मैंने कर रहा था आवाज फ्रेंड्स, मैं अपना घर आपको सजा धजा तो नहीं दिखा सकती थी, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट मॉर्निंग है तो अभी आप देख लीजिए। हम लोगों ने वैसे काफ़ी तैयारियां की थी, मैंने मेहंदी लगाई थी कि अच्छे से रेडी होकर आपके साथ में वीडियो शेयर करूंगी, लेकिन सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ ना टाइमिंग की वजह से, और काफ़ी वेट भी करना पड़ा था। ऐसी बात नहीं है कि जल्दी जल्दी ही हो गया था, वेट करने में काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ था, लेकिन जब हम रेडी हो रहे थे तब हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं लेट ना हो जाए, कहीं लेट ना हो जाए। और फोटो खींचना, वीडियो शूट करना, सब कुछ मैं भूल गई। तो चलिए अब जैसे भी घर है मैं आपको दिखा देती हूँ। आदि चाहता है कि घर बोल आपको दिखाए, तो आप देखिएगा। चलिए बाजू में ये देखिए, ये है हमारा ठीक है। एक ग्लो भी करता है, कलर चेंज भी होते हैं इसके। तो कैसा लगा गाइस आपको? ये है भगवान जी, यहाँ हुआ था हवन, और ये है मंदिर। यहाँ पर अभी फिर से साफ सफाई कर मुझे भगवान जी स्थापित करने हैं। और किचन की हालत देखिए जरा एक नजर, यही है वो सुंदर सुंदर किचन। गाइस गाइस आप कोई मजे देखो, ये देखो वही है ये सुंदर सुंदर किचन, और आज इसकी हालत देखो। कितना सारा सामान यहाँ पर फैला हुआ है। ये अखंड दीपक है देखो मेरा फोन। जो दीपावली तक जलाने के लिए बोला था पंडित जी ने। सब पूजा का खाना बना, ये कलश है जो गृह प्रवेश के टाइम मैं लेकर आई थी घर के अंदर। और बाकी तो मैं आपको क्या दिखाऊं, बस बिखरा हुआ सामान। काफी अच्छा रहा गृह प्रवेश, हम लोग बहुत खुश हैं गाइस। अभी आप ऐसे ही मोटा मोटा देख लीजिएगा। देखो मैं बस ये दिखाना चाह रही हूँ फंक्शन के बाद में कितनी ज़्यादा सब अस्त व्यस्त हो जाता है। ये सब सेट करके मैं उसके बाद में फिर से आपको होम टूर का वीडियो बना के दूंगी।
ये तोरण जो पंडित जी ने बना के लगाई थी, मतलब फूल वाले ने लगाई थी, ये अभी सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ है। मैं एक बार आपको बाहर से दिखाती हूँ घर। बच्चों के लिए तो बस जैसे एक नई चीज खेलने को मिल गई है। चलिए फ्रेंड्स, ये अब मैं वीडियो यहीं पर पॉज करती हूँ, एंड करती हूँ, और उसके बाद मैं अच्छे से सेट वेट करके फिर मैं होम टूर का वीडियो आपके साथ में शेयर करूँगी। ये नया चूल्हा है फ्रेंड्स, जब पंडित जी ने इसका पूजन किया था तो ये बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन अभी ये यूज़ कर करके काफ़ी गंदा हो गया है। और मैंने इसको साफ़ इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैं साफ़ करती तो इसके टीके भी साफ़ हो जाते, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती थी। फ्रेंड्स अभी बजे होंगे सुबह के, आई थिंक क्या, मैं नहा धोकर आ गई हूँ और आज मैं करूँगी अपने मंदिर में भगवान जी की स्थापना। मंदिर में भगवान जी को बिठाएंगे और ये है मेरा मंदिर। और ये हैं भगवान जी। तो चलिए पहले